अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आज जो है वो आपको बताऊंगा WBTR OTR की टेस्टिंग के बारे में। ये है नाइट्रोजन सिलेंडर, इसमें जो गैस यूज़ होती है वो नाइट्रोजन होती है यूज़, और उसकी प्योरिटी जो है वो 99.9% होती है। और ये सिलेंडर है 99.99% प्योरिटी नाइट्रोजन गैस, और इसमें जो है ये गैस जो है, और दूसरी ये है ऑक्सीजन गैस, इसकी प्योरिटी 99.67% होती है। और ये हमारे जो है टेस्टिंग में काम आता है। तो इस गैस में जो है वो इससे हम टेस्टिंग करते हैं बैरियर प्रॉपर्टी की, फिल्म की बैरियर प्रॉपर्टी। ये मैं उसको लीकेज चेक कर रहा हूँ, उसकी पानी के अंदर सर्फ मिलाकर उसके झाग बनाकर उससे लीकेज टेस्ट कर रहे हैं कि लीकेज तो नहीं है कहीं पर। ये हम लीकेज टेस्ट कर रहे हैं चेक के लीकेज ना हो उसके अंदर, क्योंकि अगर लीकेज होगी तो टेस्ट हमारा टेस्ट रिजल्ट जो है सही नहीं आएगा। वो ये लीकेज हो गई, चेक कर रहा हूँ मैं। लीकेज हमारी नहीं है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और ये सेट है हर जगह से, बिल्कुल सही है, लीकेज नहीं है। ये चेक हो गया पूरा। अब मैं दूसरा, और नाइट्रोजन हमारा ओके है, कहीं से लीकेज नहीं है हमारी। इसका प्रेशर 100% होना चाहिए, और इसके जो है 2.5 bar इस पे रखते हैं हम इसको। ये ऑक्सीजन के में लीकेज चेक कर रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस की केस में लीकेज तो नहीं है। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर इसकी लीकेज चेक करता हूँ, क्या हमने भी ये नाइट्रोजन का सिलेंडर हमने लगाया था, ऑक्सीजन का भी लगाया हुआ था, ऑक्सीजन का पहले से लगा हुआ था, नाइट्रोजन का भी लगाया रिसेंटली। तो मैंने बोला चलो दोनों ही एक साथ चेक कर लेता हूँ। ये हमने पहले भी चेक किया था, मगर मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ उसको। सही है, इसमें भी लीकेज नहीं है, ओके है। ये भी ओके है। तो ये हमारा WBTR है, और ये हमारा OTR है। तीन चैम्बर होते हैं इसमें, ABC। ये इसका सॉफ्टवेयर है, इसमें मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया है, A और B पर टेस्ट रन हो रहा है इसका। ये OTR मैंने देखा, इसका फ्लक्स और ह्यूमिडिटी चेक करना पड़ती है तकरीबन हर घंटे के अंदर, इन दोनों को ह्यूमिडिटी और फ्लक्स चेक करना पड़ता है। ये इसके पाइप्स हैं, इसके अंदर भी रीडिंग चेक कर सकते हैं हम रोटामीटर लगाकर के कितने ml गैस इसकी पास हो रही है, कितना आ रहा है। दोनों पे इसके पाइप्स निकले हुए रीडिंग चेक करने के लिए। एक रीडिंग तो सॉफ्टवेयर में ये स्क्रीन नज़र आ रही है, आपको इस स्क्रीन पे नज़र आएगी, और अगर आप उसको तरह चेक करना चाहें तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं पाइप से। ये हमने इधर भी वॉल में भी चेक करा है लीकेज, कि यहाँ पे लीकेज तो नहीं है। यहाँ पे भी मैंने प्रॉपरली आइस, और ये ऑक्सीजन का वॉल है और वो दो नाइट्रोजन के वॉल, ये इससे मैंने लीकेज चेक कर लिया है प्रॉपरली, सही है, लीकेज नहीं है कोई भी। ये मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपनी कंप्लीट शेयरिंग करूँगा कि किस तरह टेस्टिंग करते हैं, इसमें सैंपल किस तरह लगाते हैं, और पैरामीटर क्या रखना चाहिए इसके। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला बताऊँगा पूरी टेस्टिंग इसकी,
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपने ख्याल रखिए।